हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे नूं। मैं हरप्रीत सिंह सग्गी तुहाडा सारे का स्वागत करदा अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आस करदा सब ठीक ठाक होवोंगे। तो अज बहुत जरूरी टॉपिक आपां तुहाडे नाल सांझा करन लगे हाँ। जिस तरह असी जिंक पाउंदे हां झोने विच बासमती विच, ते उस तो अलावा होर भी यूरिया डाया या होर बहुत सारे ऐसी चीज़ा होंगी जिहड़ियां कि झोने नूं बहुत लोड़ होंदियां आ। ते उहदे नाल नाल एक चीज़ होर बहुत जरूरी होंदी है, सल्फर। तो वह दो तरीके होंगी है अपनी, जां तां तुसीं कैमिकल वाले वरत सकदे हो, जां तुसीं मतलब बायो तरीके दे नाल तुसीं जिहड़ा वरत सकदे नैचुरल तरीके दे नाल। ऑर्गेनिक खेती दे विच जिहड़ा आपां सल्फर का इस्तेमाल करना वह नैचुरल तरीके करना। तो उहनूं नैचुरल तरीका की है जी, सरों की खल का। सरों की खल बहुत सारे तत्व होंदे आ, ते इक उह चों मेन जिहड़ा हुंदा आ उह जी अपना सल्फर। ते सो आओ आपां बनाउने आ, शुरू करदे आ तरीका। ते इह आपणा झोना आ, इहनूं वी पा सकदे आ, और इह आपणी देसी बासमती आ। इह है जी वरायटी मुछल, उधर पाकिस्तानी ते इधर पासे 1121 आ। सो इस वेलों वेला जो टाइम सही हैगा सल्फर का, वह पाउण का टाइम है। तो क्योंकि बूटे का जाड़ जिहड़ा बनाउणा आ, बूटे दी च हरापन लैके आना, उहदी ग्रोथ जिहड़ी कर जे ना बूटा मजबूत होना, उहदे वास्ते और झोने का झाड़ वधाउण वास्ते सरों की खल का जिहड़ा इस्तेमाल करिए तो बहुत फायदेमंद हुंदा और बहुत लाहेवंद है। क्योंकि मैं जी बासमती देसी आ, इहनूं देसी चीज़ां ही पाउणियां आ। सो मैं अज सरों की खल लैके आया। तो आओ देखदे आ, नाल तुहानूं दिखाउणा मैं। तकरीबन एक किले के 15 से 16 किलो की रिकमेंडेशन है। 15 से 16 किलो तुसीं जिहड़ी आ सरों की खड़ लै लैनी आ। और जिदा तुसीं आ देख पा रहे हो, ये एडा बड़ा ड्रम लै लो, मेरे को एडा ही सीगा फिर हाल। सो मैं शुरुआत इतों की 30 किलो सरों की खड़ लैके आती है, और अद्धा बोरा मैं रख लिया आ। ये मैं तकरीबन 15 किलो थोड़ा जहा ज़्यादा जिहड़ा आ वो मैं पा ली आ सरों, के बिच मैं पानी पाता। लगभग 16 किलो 17 किलो मैं पाई है सरों, तो अद्धा ड्रम जिहड़ा मैं पानी ना भरिया अज। वजह यह है पानी मैं ता नहीं पता फुल किया, क्योंकि ये सरों जिहड़ी आ हुण ये फुलनी आ, इहदे च वाधा होना आ, तो इहने उपर नूं आउणा। जे मैं ज़्यादा पानी पाऊँगा तो इन्हें ओवरफ्लो ना हो जाए, इस करके अज शाम तक या कल सवेर तक जिहड़ा आ मैं इहनूं हाफ ही रखांगा। ये हौली हौली जिहड़ा ये इनक्रीज़ हो जाणी आ, ते कल नूं सवेरे आ के देखांगा तो जिन पानी घटिया होना आ, जिन्ना घटिया होगा आपां उन्ना होर इहनूं फिल कर देना आ। बस इहदा इह आ वी हिलाउंदे रहना, इहनूं हिलाउणा बहुत जरूरी आ। ये होया चाहे वेस्ट डीकंपोजर होया, इहनूं हिलाउणा बहुत जरूरी है। कुछ इस तरीके नाल हिलाई जाओ तो खल जिहड़ी आ घुल जाणी आ। इहनूं तकरीबन 24 से 48 घंटे जिहड़ा आ इहनूं भीग के रखणा सरों की खल नूं, ते बस इहदा हिलाउंदे रहो सवेरे शाम, 2 से 3 बाद दिन च हिला लो। तो साडा जिहड़ा इह घोल दवाई जिहनूं आपां नैचुरल सल्फर कहिंदे आ, कैमिकल तो भी ज़्यादा ये स्ट्रोंग आ, उस तो भी ज़्यादा इहदा असर आ झोने दे झाड़ दे विच। मैं वरत के देखिया पिछली बार भी स्पैशली बासमती विच, तो मैनूं काफ़ी वधिया रिस्पोंस मिले इहदा। 15 से 20 किलो जिहड़ा तुसीं सरों की खल लै लो अपनी जमीन के मुताबिक, जे तुहाडा रकबा ज़्यादा आ तुसीं ज़्यादा कर सकते हो। तो मेरे को फिलहाल ड्रम इन्ना ही सीगा, तो 4.5-5 किलियां दे विच मैं 5 किले जिहड़ा खेती करदा आं इहदी। तां उस हिसाब नाल मैं किले दे मुताबिक मैं पहले फिलहाल 30 किलो ही लैके आंदी आ, ते मुड़ के जिद्दां तां मैं लोड़ पई जाएगी ड्रम मैनूं दूजा भी आ जाएगा तां उहदे विच भी मैं तैयार कर लाँगा। सो 15 किलो 16 किलो इन्ना तुसीं 1 किले वास्ते जिहड़ा आ सरों की खल भिओंगे तो नैचुरल सल्फर तैयार कर सकते हो। और यकीन मानो इहदा झाड़ नाल बहुत वधिया सिद्धा लिंक आ, बहुत वधिया इफेक्टिव है। तो मैं तो तैयार कर दिता अज, 24 से 48 घंटे जिहड़ा लग जाने तैयार होने, उस तो बाद नाल लगता ही जिहड़ा फिर आपां इहदे वास्ते सरों दे वास्ते झोने दे वास्ते सॉरी आपां बासमती वास्ते इहनूं इस्तेमाल करांगे। तो फिल्टर लगा होने लगा करके थोड़ा जिहा हल्का जिहा पीलापन आ रहा, बाकी नैचुरल ग्रीन ही आ, देखो जी देख पा रहे होंगे। सो आई होप कि तुहानूं मेरी वीडियो चंगी लगी होएगी, तो लाइक करियो, शेयर करियो, तो चैनल मेरे सबसक्राइब जरूर करियो। तो बाकी होर भी कोई इनफॉर्मेशन हुई तो मैं तुहाडे नाल सांझी करदा रहांगा। तो चैनल मेरे सबसक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि इदां दे मैं नैचुरल खेती भी करदा आ, नाल साडा ऑर्गेनिक हल्दी दा काम आ, ते शौक वास्ते मैं झोना मेरा लगाउंदा आ।
बासमती भी अपने को तीन तरह की वरायटी होंगी है तो वो वास्ते मैं नैचुरल तरीके वेस्ट डीकंपोजर सरों की खाल का पाथिया का पानी तो एक दो होर वर्मी कंपोस्ट का वर्मी वॉश यीज़ा का इस्तेमाल करता रहना है। तो बाकी कोई इनफॉर्मेशन तुम्हें चाहिए हो मेरे नाल कमेंट सैक्शन मैसेज करके मेरे शेयर कर सकते हो कोई पूछना हो। ठीक है जी, मिलते हैं नैक्सट वीडियो। तो चैनल मेरे सबसक्राइब जरूर करो जी, लाइक करो तो शेयर जरूर करो जी। थैंक यू सो मच, रब रखा।